हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आज आपके सामने मेरा आने का एक ही मकसद था कि जो अभी कोरोना वायरस का एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इससे हर किसी का नुकसान है। हर किसी ने बातें कर ली कि रोजगार कैसे मिलेगा, हर किसी ने बातें कर ली कि इसका इतना नुकसान हो जाएगा, सैलरी कैसे मिलेगा। लेकिन एक हमारे बच्चों का भी नुकसान होता है, जिस नुकसान की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा पाता। सैलरी का नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपके एजुकेशन का नुकसान हो जाए, जिंदगी भर उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इस बार हमारा जीडीपी कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अगले साल रिकवरी हो सकती है। लेकिन अगर बच्चा पढ़ना छोड़ दे, अगर उसका माइंड कुछ टाइम में पढ़ाई से हट जाता है, तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। तो मेरा बस यही आप सब से रिक्वेस्ट है कि बच्चे जितने भी घर पे बैठे हैं, एक तो घर पे रखना है, क्योंकि हमारे लिए स्टूडेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है, और जितने भी बच्चे हैं उनको घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रोकिए। और मैं क्लासेस, जैसे कि हर हमारे टीचर के जितने भी फैकल्टी हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम वैसे तो घर जाके पढ़ा तो नहीं सकते, ट्यूशन तो ओपन नहीं कर सकते, हम मदद तो नहीं कर पा रहे, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इतने रिस्ट्रिक्शन है कि हम बाहर नहीं निकल सकते और ना ही किसी बच्चों को बुला सकते हैं। तो एज अ प्रोफेशन, मैं टीचर की मैं बात करूं, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे एजुकेशन के लॉसेस की किसी को चिंता ही नहीं है। तो हम सभी ने, जितने भी हमारी फैकल्टी थे विनिंग एज स्टडी पॉइंट का, हम सभी ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा स्टेप ले जिससे बच्चों का भला हो। तो क्लासेस जो है, 10th का, 9th का, 11th का, 12th का, इनफैक्ट ग्रेजुएशन के, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। ऑनलाइन का मतलब है कि आपको क्लासेस घर बैठ के देखना है, क्योंकि अभी मेरे पास आ नहीं सकते आप, टाइमिंग खराब होता जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, तो इस खाली टाइम को यूटिलाइज करना है। ये भी आपका एक लॉस है। एजुकेशन आपकी एक संपत्ति, एक एसेट्स है, इसको आप समझना पड़ेगा। स्कूल जैसे ही ओपन होंगे, आपके ओपन होते ही आपके सितंबर में एग्जाम हो जाएंगे, आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, आपने एग्जाम देना है। फिर आपके फेब में एग्जाम हो जाएंगे, मार्च में एग्जाम हो जाएंगे, उस टाइम पे आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे ये तो नहीं लिख के आओगे कि आपका अप्रैल से लेके मई तक कोरोना वायरस था, जिसकी वजह से हम घर पे बैठे थे, तो हम इसलिए पेपर में पूरा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते। ये तो नहीं बोलोगे ना आप बिल्कुल भी। सोचो खुद, वहां पे तो एग्जामिनर को अगर आंसर दिया तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आप सभी पेरेंट्स से और बच्चों से यही रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं कि आप बच्चों को घर पे, जितने भी बच्चे हैं, आप घर पे खाली ना बैठिए, और पेरेंट्स घर पे बच्चों को थोड़ा सा फोर्स करें कि भाई पढ़ो। आपने पेपर दिया, आप अगली क्लास में डेफिनेटली जाओगे, तो आपने पढ़ना है अच्छे से। और अगर मैं कुछ ऐसा इनिशिएटिव, एक कदम लेना चाहता हूं, मैं एक ऐसा मैं सोच रहा हूं कि, तो आप भी समझो कि वो चीजें बहुत वैल्यूएबल हैं। तो हर बच्चों को वीडियो जो है यूट्यूब पे प्रोवाइड होगा। अगर यूट्यूब पे है क्या, चैप्टर वाइज हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन जब हमने ये इनिशिएटिव, एक ट्रायल चलाई टीचर के बीच में, मैंने सभी टीचर को डिस्ट्रीब्यूट किया, बच्चों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मैंने क्या रिजल्ट देखा, यूट्यूब पे शेयर तो कर दिया मैंने लिंक, बच्चों ने कर दिया, क्लास 10 मिनट देखें और बाकी 15 मिनट गाने में लग गए देखने। हंता वायरस कहां से आया, कोरोना वायरस कहां से आया, आज ये हो रहा है, उसके घर में ये हो गया, वहां पे टाइम वेस्ट करने लग गए। तो एक और स्टेप हमने लिया कि भाई जो बच्चे यूट्यूब पे, मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे जो नहीं देखने दें, आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, और नॉमिनल वैल्यू, देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि मैं भी कहीं ना कहीं अपने देश की मदद कर सकूं। एक बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पे हमने कोशिश करा है कि चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड किए, और जो कॉस्ट रखा है हमने सिर्फ रखा है 10 रुपए। तो आप, और ये 10 रुपए भी रखने की वजह है, मैं ये भी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट पहले डेवलप किया गया था, तो इस सिस्टम से डेवलप किया गया था कि उसमें जब तक अमाउंट मिनिमम 10 रुपीज नहीं रखा जाएगा, तो वो वीडियो प्ले ही नहीं होगा। उस वजह से, क्योंकि अब मैं इसको चेंज भी नहीं करवा सकता, पता है कि कोई चेंजेस होना भी पॉसिबल नहीं है, तो बस आपको ये बताना था।
तो हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे फैकल्टी का, मैं उन सारे फैकल्टी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने ये इनिशिएटिव आइडिया भी सोचा और आप सभी को ये वीडियो प्रोवाइड करने का उन्होंने सोचा। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं अभी भी रिकॉर्डिंग पे ही हूँ और सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि टाइम और आपका एजुकेशन बहुत वैल्यूएबल है। आपको vaststudy.com पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वहां पे मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। तो मेरा नंबर जो है आप इस पे व्हाट्सअप करिए, आपको सारे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे और जो भी चाहिए आपको, मेरा नाम अनुज कुमार सिंह है, यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप हमारे मेरे पास मान लो फीस नहीं आ रहा, मेरा फाइनेंशियल लॉस है, मैं अगले साल रिकवर कर लूंगा, लेकिन आप अपने एजुकेशन को रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, और आप घर पे रहिए लेकिन आप पढ़ाई भी करिए, बस इतना सा मैसेज देना था। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।